और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर के कई मुद्दों पर चर्चा जरूर की गई, लेकिन बैठक में यूक्रेन संकट का मुद्दा छाया रहा। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर अपना रुख साफ किया। पीएम मोदी ने दोनों देशों के शीर्ष नेताओं को सीधी बात करने की नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बूचा नरसंहार की कड़ी निंदा की और इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज की बातचीत ऐसे वक्त पर हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति बेहद चिंताजनक है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले तक यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे, जिनमें काफी तादाद में छात्र थे। उन्होंने बताया कि काफी मेहनत के बाद वहां फंसे लोगों को सकुशल वापस लाया गया। हमारी बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। कुछ सप्ताह पहले तक 20,000 से अधिक भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे और इनमें से अधिकांश युवा छात्र थे। काफी मेहनत के बाद हम उन्हें वहां से सकुशल निकालने में सफल हुए। हालांकि एक छात्र ने अपना जीवन खो दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विचार विस्तार से चर्चा हुई। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। एक्सलेंसी, हमने यूक्रेन में सिविलियन जनता की सुरक्षा और उनको मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति पर भी महत्व दिया है। हमने अपनी तरफ से दवाइयां व अन्य राहत सामग्री यूक्रेन और उनके पड़ोसी देशों को भेजी है और यूक्रेन की मांग पर हम शीघ्र ही दवाइयों का एक और कंसाइनमेंट भेज रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के एक डॉक्टर ने पुतिन की सेना पर आरोप लगाया कि वो लोगों को टेडी बॉम्ब से उड़ाने की साजिश रच रही। अलेक्जेंडर यात्सिना नाम के डॉक्टर जंग में जख्मी हुए लोगों का इलाज कर रहे हैं और इसी दौरान डॉक्टर अलेक्जेंडर यात्सिना ने आरोप लगाया कि रूस की फौज अब यूक्रेन के लोगों के साथ छोटे बच्चों को भी अपने टारगेट पर ले रही है, जिसके लिए उसने उन मासूमों के खिलौने टेडी बेयर में बम फिट करने शुरू कर दिए हैं, जिससे न केवल वो बच्चे अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं बल्कि वहां के लोगों में भी इससे दहशत फैल जाए। बताया गया कि डॉक्टर अलेक्जेंडर यात्सिना का कीव से पोलैंड बॉर्डर तक आना जाना लगातार बना रहता है। वो वहां से अस्पताल का सामान लेने जाते हैं। डॉक्टर अलेक्जेंडर ने बताया कि वो मरीजों के पास वहीं अस्पताल में सोते भी हैं। वो ऐसा करके न केवल उनके जख्मों का इलाज करते हैं बल्कि उनकी दुख भरी कहानियां सुनकर अपने मरीजों का दर्द भी बांटते हैं। हालांकि डॉक्टर अलेक्जेंडर यात्सिना का मानना है कि रूस की सेना इस तरह यूक्रेन के लोगों को खौफ से भरना चाहती है जो कभी नहीं होगा। वहां से एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक बुजुर्ग अपनी 12 साल की पोती को दफनाने के दौरान रोती दिखाई दी और इसके लिए उन्होंने रूस को जिम्मेदार ठहराया, जबकि एक दूसरी तस्वीर में जमीन पर एक टेडी बेयर गिरा दिखाई दिया, जिससे रूसी सेना पर टेडी बॉम्ब से हमले का शक गहरा गया। और इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। दुनिया के पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की खुलकर मदद करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा दुनिया के और भी कई देश यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और यही वजह है कि यूक्रेन ने रूस के सामने अब तक घुटने नहीं टेके। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बाद अब लुथियाना के पीएम इनग्रिडा सिमोनिटे ने कीव का दौरा किया और इस दौरान यूक्रेन की पीएम उनके साथ मौजूद रहीं। सिमोनिटे ने कीव के युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत और बचाव के काम को ध्यान से देखा भी। सिमोनिटे ने कहा कि जो मैंने यूक्रेन में देखा उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। लुथियाना की पीएम का यूक्रेन दौरा
पहले से तय नहीं था, लेकिन जिस तरह से ये दौरा अचानक हुआ और इस हालात में हुआ, माना जा रहा है साफ तौर पर कि यूक्रेन को कई देशों की न सिर्फ आर्थिक और हथियारों के तौर पर मदद मिल रही है, बल्कि पूरी तरह से वो तस्वीर भी सामने आ रही है जहां पर कई देश कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन के साथ अब खड़े हैं। वहीं लुहांस के रोबिज़्ने शहर में रूस ने नाइट्रिक एसिड से भरे एक टैंकर पर हमला बोल दिया। ऐसा पहली बार नहीं कि लुहांस्क में रूस ने इस तरह का हमला किया हो, इससे पहले भी वो इस तरह की तबाही मचा चुका है और इस बार उसने रोबिज़्ने शहर में मौजूद नाइट्रिक एसिड से भरे एक टैंकर को अपने निशाने पर लिया, जिसके बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया। धुआं भी इतना कि दूर तक दिखना बंद हो गया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ दिखा कि कैसे धुएं का गुबार आसमान की तरफ बढ़ता चला गया। जिसकी भी नजर उस पर गई वो उसे देखता ही रह गया। बताया गया कि रूस के सैनिकों ने नाइट्रिक एसिड के इस टैंकर पर कई गोलियां बरसाई, जिसके बाद वहां ऐसे हालात बन गए। रूस और यूक्रेन महाजंग को आज 48 दिन हो गए। रूस की सेना मोर्चे पर लगातार आगे बढ़ रही है, चौतरफा हमले कर रही है, जबकि यूक्रेन भी मैदान जंग में डटा हुआ है। रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन पर ताबड़तोड़ जोरदार हमले हो रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान तक मिसाइलें दागी जा रही है, बमबारी की जा रही है, जिसकी वजह से हर तरफ जहां तक नजरें जाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आएगा, पलायन करती हुई जिंदगियां नजर आएंगी। तो वहीं डोनेस्क में रूसी टैंकों का काफिला मार्च करता हुआ नजर आया। जहां भी ये टैंक गुजर रहे थे हर तरफ मलबा और टूटे हुए घर ही दिखाई दिए। रूसी टैंकों का मार्च यहां पर कुछ इस तरह से दिखाई दिया है। उधर पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेन रवाना हो रहे पुतिन के जवानों का वहां के लोगों ने हौसला बढ़ाया। यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस अपने सैन्य ठिकानों से लगातार फौजियों को रवाना कर रहा है और इसी कड़ी में जैसे ही रूसी सेना का काफिला कुर्स्क की सड़कों पर निकला तो कई लोगों ने अपने जवानों का हौसला बढ़ाया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में कई लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर हाथ हिलाते दिखाई दिए। उनमें बड़ों के साथ कई महिलाएं और बच्चे भी नजर आए। इस काफिले में कई टैंक और बड़े बड़े ट्रक दिखाई दिए, जिन पर सैकड़ों रूसी सैनिक सवार दिखे। सभी गाड़ियों पर रूस का झंडा लहराता नजर आया। इस बीच दावा किया गया कि यूक्रेन से जंग को लेकर रूस में पुतिन का समर्थन बढ़ता जा रहा है। रशियन पब्लिक ओपिनियन रिसर्च सेंटर के मुताबिक रूस के 81% लोगों ने पुतिन के यूक्रेन पर हमले के फैसले का समर्थन किया और इसे सही ठहराया, जबकि युद्ध की शुरुआत में यह आंकड़ा 67% ही था। जिसका मतलब है कि रूस में ऐसे लोगों की तादाद कम होती जा रही है जो यूक्रेन से जंग में पुतिन का विरोध कर रहे हैं। और यूक्रेन की सेना रूस के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है, पलटवार कर रही है। रूसी बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों का यूक्रेन कब्रगाह बन गया। ताजा वीडियो जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है वो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक सैनिक रूस के नष्ट टैंक को दिखा रहा है। रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए हैं और टैंक का मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के जरिए यूक्रेनी सेना यह बता रही है कि देखिए हम किस तरह से रूसी सैन्य ताकत को नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने जोरदार पलटवार के जरिए।